नमस्कार आदाब, आप देख रहे ऑन रिकॉर्ड। मीरा भाईंदर अनेक नागरिक समस्याओं से जूझ रहे मीरा भाईंदर शहर का नया नगर का इलाका भी काफी ग्रसित है। यहाँ कई सारी ऐसी समस्या है जिस पर अब तक का मनपा प्रशासन का ध्यान नहीं गया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि हैदरी चौक के पीछे ये जो कम्युनिटी सेंटर बनाया गया है, इस कम्युनिटी सेंटर में ग्राउंड फ्लोर पर ओपीडी चलता है, जबकि फर्स्ट फ्लोर पर आरक्षित किया गया था। कोरोना के दौरान यहाँ पर बेड रिजर्व रखे गए थे, जिसकी कभी जरूरत महसूस नहीं हुई है। यहाँ की जो मूल समस्या है उससे मैं आप दर्शकों को आगाह करना चाहता हूँ और इस खबर के माध्यम से मनपा प्रशासन की लापरवाही को उजागर करना चाहता हूँ। देख सकते हैं आपके, यह है कम्युनिटी सेंटर का ग्राउंड फ्लोर जहां पर ओपीडी चलता था। यहां पर आज भी ओपीडी चलता है और कोरोना के मरीजों का भी यहां पर इलाज होने की पूरी तैयारी मनपा प्रशासन ने कर रखे थे। तमाम ऑक्सीजन सेंटर वगैरह यहां पर फिट कर रखे थे, पाइपलाइन हो चुकी थी, ऑक्सीजन का सिलेंडर भी इसी कम्युनिटी सेंटर के बगल में महानगर पालिका ने खड़ा कर रखा है। लेकिन ये हमारे शहर की खुशकिस्मती है, हमारे नागरिकों की खुशकिस्मती है कि इसकी जरूरत नहीं पड़ी है। मनपा प्रशासन पूरी तैयारी में है कि कोई भी ऐसी आपदा आ जाती है तो हर उस आपदा से निपटने के लिए तैयार है। ये उसका एक नमूना है। लापरवाही का एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको यहाँ पर इस ग्राउंड फ्लोर पे देना चाहूंगा कि ये वो कुर्सियां है जो किसी भी प्रोग्राम के लिए यहाँ पर रखी गई है, जो मनपा प्रशासन की अपनी मिल्कियत है, अपनी प्रॉपर्टी है। कम्युनिटी सेंटर को जो बनाने का एक मकसद था कि यहाँ पर इस नया नगर मुस्लिम लोकेलिटी को देखते हुए मुस्लिम लोगों की सुविधा के लिए ये कम्युनिटी सेंटर बनाया था, जहाँ पर शादी या छोटे मोटे फंक्शन या इस तरह के कार्यक्रम होते रहेंगे और एक मामूली फीस लेकर लोगों को इसकी सुविधा दी जाएगी। लेकिन कोरोना आने के बाद से करीब 2 साल हो चुके हैं, अब तक ये सुविधा का लाभ स्थानीय लोग नहीं ले पा रहे हैं। आइए मैं आपको ले चलता हूँ फर्स्ट फ्लोर पे, जो गवाही दे रहा है उस पूरा पहला मंजिला मनपा प्रशासन की लापरवाही का, जिसे मैं आप सबको रूबरू कराना चाहता हूँ। मीरा भाईंदर के नयानगर इलाके में लगभग सभी मुस्लिम कॉरपोरेटर कांग्रेस पार्टी के बैनर तले चुनकर आते हैं। उन्होंने भी पिछले 2 सालों में कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि ये इस कम्युनिटी सेंटर को जो महानगर पालिका ने कोरोना के चलते बंद किया है उसे दोबारा शुरू किया जाए, ताकि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो इस कम्युनिटी सेंटर का फायदा उठा सके। अब ये आप देखिए, ये वो पहला मंजिला फर्स्ट फ्लोर है जहाँ पर पूरी कोविड के मरीजों के इलाज की सुविधा महानगर पालिका ने कर रखी थी। हालांकि हमारे पूरे भारतवर्ष से अब कोरोना लगभग खत्म होने के कगार पे हो चुका है और इस तरह की जो सरकारी पब्लिक एमिनिटीज जो थी उन सभी जगहों को, उन सभी वस्तुओं को महानगर पालिका ने शुरू कर दिया है लोगों की सुविधा के लिए। लेकिन हमारी मीरा भाईंदर महानगर पालिका का, चाहे वो आरोग्य विभाग हो या PWD विभाग हो, ये उनकी लापरवाही है कि पिछले 2 सालों से कोरोना के दौरान से ही इस कम्युनिटी सेंटर को बंद कर दिया गया है। ये पूरा फर्नीचर, ये तमाम कुर्सियां इसी कम्युनिटी सेंटर में भाड़े पर दी जाती है, ये हॉल जो है उसे भाड़े पर दिया जाता है। ये देखिए, ये वो नजारा है जो मैं आप सब दर्शकों को बताना चाह रहा था कि ये कम्युनिटी सेंटर को कोविड सेंटर के रूप में बनाया था महानगर पालिका ने, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है और ये तब से लेकर आज तक ऐसे ही बनकर पड़ा हुआ है। अब जबकि स्थानीय लोगों की मांग है, स्थानीय लोग चाहते हैं कि उनके सुविधा के लिए जो कम्युनिटी सेंटर यहाँ पर बनाया गया है उस सुविधा का उनको लाभ मिल सके, लेकिन मनपा प्रशासन ने इस तरफ अब तक ध्यान नहीं दिया है, जिसका हर्जाना स्थानीय निवासियों को भुगतना पड़ रहा है। कई ज्यादा दाम देकर उन्हें अपना गुजारा करना पड़ रहा है, जबकि मनपा प्रशासन ने जो नागरिकों के लिए जो सुविधा पाने के लिए
इस तरह के जो कम्युनिटी सेंटर बनाए हैं या जो हॉल बनाए हैं वो हर तरफ चल रहे हैं बाकायदा, जो कि तो रनिंग है। हमारा एक नया नगर ही इलाका ऐसा इलाका है कि यहाँ के जो स्थानीय नगर सेवक है, चाहे उनकी लापरवाही कहे, मनपा प्रशासन के संबंधित विभाग के अधिकारी उनकी लापरवाही कहे, या हमारे जो लोक नेता है उनकी लापरवाही कहे, कि जिसके चलते आज भी पिछले 2 सालों से ये कम्युनिटी सेंटर अब तक लोगों की सुविधा के लिए शुरू नहीं हुआ है। मनपा आयुक्त तो दिलीप ढोले से हम मांग करना चाहेंगे, उनसे ये उम्मीद रखना चाहेंगे कि इस कम्युनिटी सेंटर को आप दोबारा से शुरू करें ताकि लोगों को इसकी सुविधा का लाभ मिल सके। जिस पर्पस से इस कम्युनिटी सेंटर को बनाया गया था वो पूरा हो। यहाँ पर एक कांच है जो डैमेज है, नहीं दिखाई दे रही है। इस पर भी संबंधित जो ठेकेदार है उसने गौर करना चाहिए कि यहाँ पर क्या क्या नुकसान हुआ है, किस तरह की तोड़फोड़ हुई है, या इसका मेंटेनेंस सही तरह से नहीं किया जा रहा है। इस पर भी मनपा प्रशासन ध्यान दे, ऐसी हम आशा करते हैं। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।